हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अपने घर में सकुशल होंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति पथ को समझाएं, केस वन केस टू केस थ्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत प्रवेश करते हुए आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या गतिज ऊर्जा के बीच संबंध। आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तुम्हारे क्या होता है, आपका क्या होता है, r होता है। और गतिज ऊर्जा जो हम इसको निरूपित कर सकते हैं किससे, तो के बीच का संबंध स्थापित करें। तो चलिए देखते हैं कण के गतिज ऊर्जा के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होता है, इसके बारे में क्या करना आपको जानना है। तो आप लोगों को पता है कि जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्या आर बराबर फॉर्मूला होता है एम बी बाई क्या होता है आपका क्यू बी होता है। और जहां आप लिख सकते हैं एम बी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, पी लिख सकते हैं। पी क्या है तो संवेग है, क्या है तो पी क्या है तो संवेग है, ये हो गया। तो इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं क्या पी बाय क्यू भी लिख सकते हैं, ये हो गया। और कण की गतिज ऊर्जा क्या दिया के, तो गतिज ऊर्जा और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या देखना आपको संबंध देखना। तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, के बराबर हाफ का हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर आर ऊपर में आप एम से मल्टीप्लाई करें नीचे भी एम से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, तो के इक्वल टू आपको मिलेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय क्या मिल जाए आपको एम मिल जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, के इक्वल टू वन बाय टू एम बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं। और एमबी के बाद में आप लिख सकते हैं क्या, देखिए आपका पी यहां पर क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं आपका पी स्क्वायर बाय टू एम, के बराबर क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय क्या लिख सकते आपका टू एम लिख सकते हैं, ये हो गया। अब आपको देखना है, देखिए के बराबर आपको मिल गया पी स्क्वायर बाय मिल गया आपका टू एम, फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं कैसे, देखिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर बराबर एम बी बाई क्यू बी, जिसके बाद आर और लिख सकते हैं पी बाय क्या लिख सकते आपका क्यू, तो यहां पे लिखिए पी स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा टू एम के मिल जाएगा, ठीक ये हो गया। और पी स्क्वायर एम के हो गया आपका, और पी बराबर आपको क्या मिल जाएगा टू एम के रूट ओवर हो जाएगा। यहां पर p बराबर का दिया है r इक्वल टू पी बाय क्यू बी, तो p बराबर क्या हो जाएगा क्यू बी इंटू क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं p बराबर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते नहीं तो क्योंकि आपका दिया है क्या दिया है r बराबर p बाय क्यू बी, इसीलिए p बराबर को मिल जाएगा क्यू बी r, तो आप लिख सकते हैं क्यू बी आर इक्वल टू रूट ओवर टू एम के, और आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा रूट ओवर टू एम के बाय हो जाएगा आपका क्यू बी। यानी कि जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और कण के गतिज ऊर्जा के बीच यह संबंध है। पहले आपको पता कि जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या फॉर्मूला r = mb / q भी होता है, जो mb / p क्या है कण का संवेग है, r = p / q भी लिख दी। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला पता है कि k = होता है हाफ mb स्क्वायर, हाफ mb स्क्वायर लिख दिए ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर / m हो गया, हाफ कर दिए m स्क्वायर v स्क्वायर बदले भी लिख सकते हैं mb का होल स्क्वायर / हो गया m, एमबी के बदले में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे पी, तो पी स्क्वायर में क्या हो गया आपका टू एम हो गया, तो
तो पी स्क्वायर बराबर टू एम के, पी पी बराबर रूट ओवर टू एम के। यहां सब आए, यहां पर आपका दिया कि आर बराबर पी बराबर क्यू बी, इसलिए क्या हो जाएगा, पी बराबर क्यू बी आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बी आर इक्वल रूट ओवर टू एम के, आर इक्वल रूट ओवर टू एम के बाई क्यू बी, ये आपका होता है संबंध। तो आपको यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको होता है गतिज ऊर्जा और वृत्ताकार पद के त्रिज्या के बीच संबंध होता है।